अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं नाचोज विद चीज़ सॉस। नाचोज बनाने के लिए मैंने 2 कप मेस फ्लार लिया है, यानी मकई का आटा ले लिया है। ये आटा थोड़ा हल्का होता है, तो अच्छी तरह से चम्मच से दबाते हुए कप को भर लिया था मैंने। और 2 कप ले लिया है मैंने मकई का आटा। इसमें हम मैदे का आटा मिक्स करेंगे, तो ये 1/3 कप हिस्सा मैदे का आटा इसमें डालेंगे। 1 कप के 4 हिस्से होते हैं, तो 1/3 हिस्सा ले लिया है और 1 हिस्सा छोड़ दिया है। 2 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर, 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास व्हाइट पेपर पाउडर नहीं है तो ना डालें। 2 टीस्पून ओरिगेनो ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारे आपस में मिक्स हो जाए। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसको गूनेंगे। तो मैंने गरम पानी ले लिया है, हल्का सा गुनगुना लेंगे। गुनगुने पानी से ही इसको आप गूंदेगा तो ये अच्छे से सेट हो जाता है मकई का आटा। तो पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम गूंदेंगे इसको। एक साथ अगर आप पानी डाल दोगे तो बहुत पतला हो जाएगा इसका आटा। हमें ना ज़्यादा सॉफ्ट आटा चाहिए और ना ज़्यादा थिक चाहिए, मीडियम डो चाहिए हमें। तो इसको गूंद लेंगे हम थोड़े थोड़े पानी का यूज़ करते हुए। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी मिल पाएगी। तो ये देखिए, हल्का हल्का सा मैंने इसको गूंद लिया है। डो हमारा गूंद कर रेडी है, देख सकते हैं आप, इजीली टूट रहा है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा थिक है। इसी तरीके का परफेक्ट है ये डो हमें चाहिए। इसको हम कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए रेस्ट होने रख देंगे। इसको रेस्ट देना ज़रूरी है ताकि ये सेट हो जाए। तो ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको बेल लेंगे, तो छोटा सा पार्ट ले लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। इसको रोल कर लीजिए और मैदे में डस्ट कर लीजिए, डिप कर लीजिए मैदे में इसको, या मैदा इसके ऊपर डस्ट कर दीजिए। इस तरीके से हाथों से पहले थोड़ा चपटा कर लीजिए और बिल्कुल हल्के हाथों से आपको इसको रोल करना है, दबाना नहीं है। और मैदे का यूज़ ज़्यादा करना है वरना ये टूट जाता है, काफ़ी हल्का होता है इसका आटा। तो मैदे का ज़्यादा यूज़ कीजिए, मैदा ज़्यादा लगा के अगर आप बेलेंगे तो ये नहीं टूटेगा। और बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसको एकदम पतला, जितना पतला आप बेल सकते हैं, ये देखिए इतना पतला मैंने इसको बेल लिया है। जितना पतला आप बेलोगे उतने ही क्रिस्पी नाचोज बनकर रेडी होंगे। तो इसके एजेस को हम कट कर लेंगे चौकोन शेप में। ये देखिए, एजेस को मैंने कट कर लिया है। अब इसमें लाइन कट कर लेंगे, स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। जितने बड़े या छोटे आपको साइज़ चाहिए नाचोस के, उस हिसाब से आप कट कर लीजिए। अब ट्रायंगल शेप में मैं इसको कट कर रही हूँ, आप चाहे तो चौकोन शेप में भी इसको कट कर सकते हैं। जैसा आपको इजी लगता है आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। और काफ़ी टेस्टी होता है ये खाने में, चीज़ सॉस के साथ डिप करके खाने में ज़्यादा मज़ा आता है इसको। और अगर आप चीज़ सॉस नहीं बनाना चाहते हैं, ऐसे ही खाना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर कोई भी सीजनिंग ऐड कर सकते हैं या फिर पेरी पेरी मसाला डाल सकते हैं और इसको खा सकते हैं। तो फोक की मदद से इस तरीके से छोटे छोटे से इसमें होल करना ज़रूरी है। अगर आप होल नहीं करेंगे तो ये फूल जाएंगे तेल में फ्राई करते वक्त और नरम हो जाएंगे। तो ये होल करने से ये क्रिस्पी बनते हैं, तो ये स्टेप करना ज़रूरी है। तो सब पर हम इसी तरह से कर लेंगे, फोक की मदद से छोटे छोटे होल्स कर लेंगे। तो ये देखिए, नाचोज हमारे कट कर रेडी है। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ नाचोज को कट करने का। तो ये देखिए, जितना पतला हो सकता है उतना पतला आपने बेल लेना है इस तरीके से सेंटर में, और फिर उसके सेंटर में क्रॉस ऐसी लाइन कट कर देनी है। इसके एडजेस को हम कट कर लेंगे, एडजेस अगर आप चाहें तो कट कर ले,
ना चाहे तो ना कट करें, इसको कट करने से फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आ जाती है, इसलिए मैंने कट किया है। ये देखिए, इस तरीके से भी आप कट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है ये तरीका भी। और ऐसे बड़े बड़े अगर आप बनाना चाहते हैं तो बड़े बना लें, इसके दो हिस्से कर लें, ये देखिए इस तरीके से। तो ये भी एक इजी तरीका है। तो दोनों मेथड में से जो भी आपको इजी लगता है, आप उस मेथड से नाचोस को रोल कर सकते हैं और कट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, बहुत ही इजी है, आप भी इसको इसी तरीके से कट कर सकते हैं। तो सारे नाचोस कट करके रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तेल को मैंने मीडियम गरम कर लिया है, ज़्यादा गरम नहीं करेंगे ऑयल को, मीडियम ही गरम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करेंगे। सारे नाचोस को डाल देना है एक एक करके। अगर आप ऑयल को ज़्यादा गरम कर दोगे तो ऊपर से इनका कलर डार्क होने लगेगा। इनको फ्राई होने ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। आपको इसको चलाते वक्त ही स्पून से पता चल जाएगा कि ये क्रिस्पी होने लगे हैं। ये देखिए, नाचोस बिल्कुल बनकर रेडी है। इनको हम निकाल लेंगे किचन टॉवल पर, बहुत ही क्रिस्पी से नाचोस बने हैं। इनको सिर्फ बेलने में ही वक्त लगता है, बल्कि फ्राई करने में ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो अब हम बना लेंगे चीज़ सॉस, जिसके साथ हम नाचोस को डिप करके खाने वाले हैं। 1 टेबल स्पून बटर डाला है, बटर मेल्ट हो जाने के बाद 1 टीस्पून मैदा डालेंगे और मैदे को अच्छी तरह से भून लेना है, इसका कच्चापन ख़त्म होने तक भूनेंगे। मैदे को भून लिया है मैंने, अब 1 कप दूध लिया है, स्लो स्लो दूध ऐड कर देंगे पूरा 1 कप इसमें, और कंटिन्यू स्टर करते रहना है, वरना लम्स पड़ जाएंगे सॉस में, और फ्लेम को लो ही रखना है। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे और इसको भी मिक्स करते जाएंगे स्पून से, या विस्क की मदद से भी इसको विस्क कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे। पेपरिका पाउडर ऐड करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें चीज़ ग्रेट करके डाला है, और इसमें मैंने 1 ड्रॉप येलो फूड कलर का भी डाला है। इसको मिक्स कर लेंगे। जो अमेरिकन शेडर चीज़ होती है वो येलो कलर की होती है, जिससे नाचोस का चीज़ सॉस बनाया जाता है, वो खाने में भी बहुत टेस्टी होती है और उसका कलर भी बिल्कुल येलो होता है सॉस का, तो इसलिए मैंने उस तरीके का टच देने के लिए इसमें येलो कलर डाला है। बल्कि ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालें, वरना ना डालें। तो सॉस हमारी बनके रेडी हो चुकी है, विस्क से मैं इसको थोड़ा विस्क कर लूँगी ताकि जो चीज़ के लम्स वगैरह हैं वो ना रहें इसमें। तो ये देखिए, बहुत ही मज़े की हमारी सॉस बनकर रेडी है, बहुत ही टेस्टी होती है ये सॉस। तो ये देखिए, डिश आउट कर लिया है मैंने, हमारा नाचोस विद चीज़ी सॉस बनकर रेडी है। अगर आपको व्यूवर्स मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में, आप जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे आप इसको खा सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर बता रही हूँ कितने क्रिस्पी बनकर रेडी हुए हैं ये। इसी तरीके से क्रिस्पी खाने में मज़ा आता है। सॉस को डीप करते वक्त ये देखिए, आपको पता चल रही होगी कंसिस्टेंसी, सॉस कितना थिक और कितना अच्छा बना है। तो मिलती रहूँगी मैं आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।